आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आता है बायो केमिस्ट्री पढ़ने को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में राइज करता है। देखते हैं बायो केमिस्ट्री क्या है। और ये मेरा नोट्स है, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ। देखिए, बायो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डैट डैट एक्सप्लोज द केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इट इज लेबोरेटरी बेस्ड साइंस डैट ब्रिंग ए टूगेदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट कवर्स ए रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग द जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसियस, प्लांट साइंस एंड मेडिसिन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कार्ल एलेक्जेंडर न्यूबर्ग जो 29 जुलाई 1887 में एंड 30 मई 1956 वाज एन अर्लियल फाइनल एंड बायोकेमिस्ट्री इज द ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। देखते हैं इसके क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज द एसेंशियल ऑफ अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें कुछ देखते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। चलते हैं इम्पोर्टेंट देखते हैं। द केमिकल प्रोसेस देखते हैं दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण मैं रुक गया था। द केमिकल प्रोसेस विच ट्रांसफर डाइट इन टू कंपाउंड डेट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स आर पार्टिकुलर स्पेसिस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट फंक्शन ऑफ इंजाइम्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस डेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लास सॉरी ग्लास सेल्स एंड टिश्यू, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, टू सॉल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टाफ कंज्यूम फॉर द वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग द प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है दोस्तों। फिर अगला वीडियो में मैं रिपीट पढ़ाऊंगा, तब तक बाय।